महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल ने शनिवार को वार्ड नंबर 38 और 14 के मध्य आने वाले नाले और सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर आकाश विहार कॉलोनी और वार्डवासियों ने आदर्श मंडल अध्यक्ष गीसू गढ़वाल के नेतृत्व में अपनी लोकप्रिय विधायक और मंत्री बधेल का माला पहनाकर अभिनंदन किया। गढ़वाल ने बताया कि एडीए द्वारा स्वीकृत 43 लाख रूपये की लागत से राजोसी क्षेत्र को निकलने वाला नाला और सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। इसके बन जाने से क्षेत्रीय नागरिकों को बहुत सुविधा होगी। इस अवसर पर वार्ड 38 की पार्षदा उर्मिला गढ़वाल और वार्ड 14 की हेमलता सहित क्षेत्रीय नागरिक मौजूद थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिता जी बधेल द्वारा नगर सुधार न्यास कर अनुशंसा कर नगर सुधार न्यास अजमेर विकास प्राधिकरण से लगभग 43 लाख की स्वीकृति करवा कर इस नाले और नाले के पास में जो सड़क है, सड़क के निर्माण के लिए आज भूमि का शिलान्यास किया है। और इसी उपलक्ष्य में सभी इस क्षेत्र के वासियों ने माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का भी निर्णय लिया था और सभी बहुत जो गर्म जोशी से माननीय मंत्री जी का स्वागत भी इस अवसर पर कर रहे हैं। अजमेर के दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संकुल को एक बार फिर संवारने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने टोपदड़ा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाकर शिक्षा संकुल बनाए जाने की घोषणा की थी। राजकीय टोपदड़ा स्कूल में 26 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क कार्य का शुभारंभ करने पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बधेल ने दावा किया कि सरकार पंडित दीनदयाल शिक्षा संकुल को फिर से संवारने का काम प्राथमिकता के आधार पर करेगी। बधेल के अनुसार सरकार ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। माननीय हमारे हनुमान सिंह जी भाटी साहब, उनको मैंने निवेदन किया था और उन्होंने इस पूरे विद्यालय परिसर का अतिक्रमण हटा करके इसको पूरा उसी स्वरूप में लाया जाए, उसके लिए हमने काम शुरू किया। और उस काम के तहत एडीए द्वारा पहला ये विकास का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें 26 लाख रुपए की ये पूरे स्कूल परिसर की जो सड़क है बहुत अच्छी हमारी इसी पेवर की सड़क ये बनने जा रही है, तो पूरा लगभग इसमें 26 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में दुराचार पीड़ित मासूम से मुलाकात कर अस्पताल प्रशासन को संपूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बधेल दुराचार पीड़ित मासूम से मिलकर भावुक हो गई। उन्होंने पुलिस को इस प्रकरण में दोषी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। बधेल शनिवार सुबह जेलन अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती बच्ची और उसके माता पिता से मिलने पहुंची। उन्होंने बच्ची की माता को भरोसा दिलाया कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को भी पीड़ित मासूम का पूरा ध्यान रखने और निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बधेल ने शुक्रवार रात को भी इस घटना की जानकारी मिलने पर दुराचार पीड़ित मासूम और उसके परिजनों से मुलाकात की थी। इशू ये है कि वो बच्ची बहुत छोटी है और बहुत ही मासूम बच्ची है। करने वाले ने जो भी किया है, निश्चित रूप से मैं उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैंने पुलिस विभाग को भी ये डायरेक्शन दिए हैं रात को ही कि किसी भी कीमत में, चाहे वो खाना बदोश हो, चाहे किसी जिले का रहने वाला हो, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसकी ट्रैकिंग की जाए और फिर जो सजा उसकी कानून के तहत उसको दिया है। और इस प्रकार की और घटनाएं नहीं हो, उसके लिए जितने भी खाना बदोश लोग आते हैं उनको जो है हम चिन्हित करें, चिन्हित करने के बाद में उनको सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ में हम उनको ये एजुकेट भी करें कि इस तरह से रात्रि में खुले में, क्योंकि रेन बसेरा अपने बने हुए हैं, वहाँ जाकर के ठहर सकते हैं और दूसरी जगह वहाँ जाकर ठहर सकते हैं, इस तरह से अनजान जने में कबीले के साथ तो उसमें कुछ भी खतरा बना रहता है।